स्टडी जोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, DSSSB में 4,366 पोस्ट निकली हुई है प्राइमरी टीचर की। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2018 है और इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 जुलाई 2018। इस वीडियो में मैं आपको इस पोस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी जोन और स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। फ्रेंड्स, DSSB में निकली ये पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2018 के अंतर्गत निकली है। इसके लिए 2 जुलाई 2018 से ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है 30 जुलाई 2018। ये डिपार्टमेंट इसका रहेगा MCD का डिपार्टमेंट। प्राइमरी टीचर के लिए पोस्ट है, ग्रेड पे 4200 का। जनरल के लिए इसमें 1610 पोस्ट है। OBC के लिए 1286 पोस्ट है। SC कैटेगरी के लिए 714 पोस्ट, ST के लिए 756 पोस्ट। ऐसे टोटल 4,366 पोस्ट रहेंगी और PH के लिए 474 पोस्ट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। जिन भी कैंडिडेट ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2017 यानी 16/17 पिछले साल में नवंबर में भरे गए थे फॉर्म, अक्टूबर नवंबर में जो टेस्ट हुआ था और वो कैंसिल हो गया था लीक की वजह से, तो उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म 25/8 से लेकर 15/9 तक भरे गए थे, इनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इस एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा एक 2 ईयर्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन कोर्स होना चाहिए। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके। इसके अलावा हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए सेकेंडरी लेवल में। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल इसको पास होना चाहिए। कैंडिडेट को CTET क्वालिफाई होना चाहिए, यानी जिस भी कैंडिडेट का CTET क्वालिफाई है सिर्फ वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस नहीं है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पे स्केल 35,400 एज पर पे मैट्रिक्स रहेगा, 9,300 से लेकर 34,800 तक। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स की एज इसमें रहेगी। SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट टीचर है अभी MCD में, उन सभी के लिए मैक्सिमम 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, 1 ईयर में यानी एक साल में कम से कम 120 दिन की सर्विस होनी चाहिए। 5 साल से ज़्यादा का रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता इसमें, मैक्सिमम 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 100 रुपीज़ इसके लिए फी रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। और जो भी वुमेन कैंडिडेट है और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस इसमें नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट आप फीस की कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें वन टायर एग्जामिनेशन होगा, आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा और उसके हिसाब से लिस्ट लगेगी इसमें। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहेगा, सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, इन सभी से रिलेटेड आपका सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस भी दे रखा है, इससे रिलेटेड जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी ये मैथमेटिक का पोर्शन रहेगा इसमें। लास्ट है हिंदी लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। लास्ट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब आपका सेक्शन ए में रहेगा। सेक्शन बी में आपके पोस्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन
यानी आपका जो साइकोलॉजिकल का पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट है, वो सभी इस सेक्शन बी में रहेगा। और दोनों सेक्शंस को क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। अगर कैंडिडेट एक भी सेक्शन में मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर ऑब्टेन नहीं करता तो वो डिसक्वालिफाई हो जाएगा फर्दर सिलेक्शन के लिए। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स का, फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई SC ST है तो उनके लिए 15 ईयर्स का, और ये OBC है फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 13 ईयर्स का। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर्स का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 10 और OBC के लिए 8 ईयर्स का स्पोर्ट्स पर्सन में। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का दिया जाएगा। अगर कोई विडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, उनके लिए 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST है तो वो 40 ईयर्स तक, और OBC 38 ईयर्स तक। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बात मैंने आपको बता दी, इसमें 5 ईयर्स का मैक्सिमम रिलैक्सेशन होगा, 120 ईयर्स का सर्विस होनी चाहिए 1 ईयर के अंदर। इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है कि कैसे क्या रहेगा। 1 टायर आपका एग्जामिनेशन होगा, टेक्निकल एग्जाम 1/2018 पोस्ट कोड। इसका 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 200 टोटल MCQ आएंगे आपके, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके इस एग्जाम में, और टोटल मार्क्स रहेंगे 200, 200 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। और इसमें से सेक्शन ए का, ए में आपको ऊपर भी मेंशन किए थे, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, और सेक्शन बी में MCQ रहेंगे जो आपके JBT में आपने पढ़ाई की, DED, NTT, इन सभी से रिलेटेड। 100 मार्क्स का ये रहेगा और 100 मार्क्स का ऊपर वाला रहेगा, 20 मार्क्स ईच, यानी हर एक पोर्शन के 20 20 मार्क्स रहेंगे फर्स्ट सेक्शन में। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 मार्क्स की, एक गलत क्वेश्चन होने पर 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, अगर अब भी आपका कोई डाउट है इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसको आपका रिप्लाई दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।